मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा आठवीं का व्याकरण पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। पहले हमने पढ़ा था भाषा के तत्व कितने होते हैं, दो, कौन कौन से, वेरी गुड, मनोभाव और शब्द। और फिर पढ़े थे हम लोगों ने भाषा के भेद, वेरी गुड। तो भाषा के भेद भी कितने होते हैं, दो, पहला कौन सा है, लिखित मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे लिपि भाषा का, हम एक दूसरे को जब बताते हैं शब्दों के प्रकट करते हैं तो अपने मन के भाव को प्रकट करके हम भाषा के तौर पे उसको बताते हैं। अब यहाँ पे लिपि, लिपि में क्या है, भाषा को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। आप लोग चिन्हों का प्रयोग करते हो कि नहीं, हाँ वही लिपि कहलाती है। लिपि में क्या होता है कि अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, स्वास्तिक प्रदान करने के लिए उसको शिलालेख लिखे गए हैं, तो पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई हैं, उसमें भी चिन्हों का प्रयोग किया गया है, उसे लिपि बोला जाएगा। दस्तावेज तैयार करते हैं जो बोला जाता है फाइलें तैयार किया जाता है, उसे भी लिपि के तौर पे भी बोला जाता था, लिखा जाता था। जैसे इतिहास में ज्ञान विज्ञान ज्योतिष दर्शन क्षेत्र, वो पूरे में भी वो ही इस्तेमाल किया जाता है, लिपि के तौर पे उसको लिखा जाता था, बताया जाता था। तो भाषा को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। बार बार उसको पढ़ो, ध्यान दो के समझो तो आपको ये आ जाएगा। लिपि का क्या है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब कुछ लिपियाँ क्या होती है, साधारण होती है जिसमें बहुमुख पुस्तकें लिखी गई हैं, और कुछ देवनागरी लिपि, वो कौन कौन सी भाषा में लिखी हुई है, ये देखो, हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली। इसमें हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली में क्या लिखा गया, देवनागरी लिपि। जो पहले बहुत 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 पहले जमाने के जो लोग थे ना, वो जो भी ग्रंथ लिखते थे उसमें देवनागरी लिपि ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, वो चिन्हों का प्रयोग ज़्यादा करते थे। बहुत पुराने, हम तो सोच भी नहीं सकते इतना पुराने पुराने जैसे थे, उसमें देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था, जिसमें भाषा कौन कौन सी होती थी, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, संस्कृत और नेपाली। नेपाली में भी देवनागरी लिपि उसको यूज़ किया बोला जाता था। इसमें दूसरी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ होती है, जो सभी भाषा की, चाहे वो तेलुगु हो, पंजाबी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मारवाड़ी हो, इसमें क्या होती है, उनकी लिपियाँ अलग अलग होती है। मगर देवनागरी लिपि में, ये जो देवनागरी लिपि है वो चार भाषाओं में मेन है, हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली। इसमें देवनागरी का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इस भाषा में क्या हो जाता है कि जब आप लिखते हो तो उसमें ज़्यादा चिन्हों का, जैसे इसमें दिया हुआ है ना, चिन्हों का ज़्यादा प्रयोग होता है, चिन्हों का ज़्यादा उसमें महत्व ज़्यादा रहता है, तो वो देवनागरी भाषा में ही उसका प्रयोग करते हैं। और हम जब पढ़ेंगे, हम तो अभी देवनागरी का तो बहुत पहले का था तो वो हो गया है, अभी हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली में ही देवनागरी का उसको किया जाता है और बताया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था लिपि, देवनागरी लिपि में कौन कौन से लिपि भाषा में उसको लिखा गया है, हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली, वेरी गुड। अभी क्या है, यहाँ पे हिंदी तथा भारतीय भाषा है, सिर्फ हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली तक ही नहीं, हमारे देश में बहुत सारी भाषा है, इसलिए हमारे देश को क्या कहते हैं, भारत बहुभाषी देश है। बहुभाषी मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहुभाषी मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, इसलिए इसे बोला जाता है भारत बहुभाषी देश है, जिसमें अभी भारत तो बहुत
बहुत बड़ा है। अभी अपने क्लास में, आप ही के क्लास में कोई हिंदी होगा, सिर्फ हिंदी में ही बात करता होगा, उनकी भाषा ही हिंदी होगी, कुछ मारवाड़ी होंगे, ठीक है, कुछ मराठी, कुछ तेलुगु होंगे, एक आध लोग पंजाबी होंगे, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई मुस्लिम होगा। तो इसमें क्या, देखो बच्चों, एक ही क्लास में जब हम सिर्फ एक क्लास में कितनी सारी भाषाएं हैं, तो सोचो हमारे भारत देश इतना बड़ा है, उसमें कितनी सारी भाषाएं होंगी, है कि नहीं। तो उसमें आप लोगों को जब आता है बोला जाएगा तो आप लोग उसको किसमें बहुत सारी भाषाएं भी बोल सकते हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती, और बोलो उर्दू, हाँ उर्दू, और उसके बाद बोलो कन्नड़, और बोलो बेटा मलयालम, है ना, ऐसे कुछ। अभी तो बहुत सारे हैं, आप लोगों ने जैसे जैसे बोला मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, अभी बहुत सारे होंगे जिसमें हम एक ही देश भारत बहुभाषी, देखो यहाँ पे दिया है बहुभाषी देश, बहुभाषी देश मतलब बहुत सारी भाषाएं जाते हैं, हम तो सिर्फ अभी गिने चुने बोले हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू ये, मगर हमारे भारत में बहुत सारे भाषाएं होती है जिसे हमें बोला जाता है हिंदी। साहित्य विकास में अगर पुस्तकों में भी देखा जाएगा तो साहित्य की भाषा में भी उसमें हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैनी, पारसी ये भी बहुत सारी भाषाएं भी हमें मिलेगी, जानते मिलेगी, जो हमारे देश में, भारत देश में हमको हमारा डेवलपमेंट, विकास में योगदान रहा है, वो भाषाएं भी हमको आगे बढ़ने में सहायता पहुंचाती है। मोहम्मद जायसी वो एक मुस्लिम थे, कबीर, और उसके बाद क्या है, रश खान, रहीम, ये भी साहित्य में हिंदी भाषा में ज़्यादा जोर देते थे, उनकी भाषा को ज़्यादा अविस्मरणीय योगदान है, वो हिंदी में लिखते इतने थे। कबीरदास जी का तो खिचड़ी बोला जाता था, उनके जो दोहे या प्रसंग रहते थे वो सभी मिक्स रहते थे, उनमें सिर्फ हिंदी ना रह के बहुत भी, फिर भी वो इतने स्मरणीय थे, इतने क्या थे, उनका अभी तक याद किया जाता है उनके बाद उनके उसमें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी लेखकों ने इतनी इतनी अच्छे दोहे या प्रेरित करने वाले उनके जो दोहे या प्रसंग रहते थे वो ऐसे लिखते थे कि जो देश की आज़ादी के लिए लड़ने जाते थे उनको एक प्रेरणा मिलती थी, क्यों, उससे क्या हो जाता है, झलकता क्या है, भाषा ही इसमें झलकता है। तो इसी में यहाँ पे हिंदी और भाषा, भारतीय भाषा में बहुभाषी देश हो जाता है, इसलिए हमारा देश भी एक, हम बोलते हैं ना, भारत एकता में बल होता है, वही हमारी पूरी भाषाएं मिलके भी हमको ये बना, एक बनाती है। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन अभी तक क्या पढ़े, भाषा, लिपि और पढ़े, अभी क्या है, व्याकरण। यहाँ पे जैसे भाषा और व्याकरण में, अभी व्याकरण, भाषा को सरल, सुगम, सुबोध और भरमार्जित करने के लिए व्याकरण का निर्णायक योगदान रहता है। निर्णायक मतलब आप सिंपल से लिखिए तो वो मायने नहीं रखता, आपको उसको अच्छे से समझ के सुंदर से लिखोगे, उसके व्याकरण में, ग्रामर में अगर जोर दोगे तो उसके बोलने में भी, लिखने में भी आपको समझ में आ जाएगा कि व्याकरण को कितने अच्छे तरीके से, भाषा को कितने अच्छे तरीके से आप उसको लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि विविध रूप में वाक्यों को या शब्दों को विविध रूप में आपको उसकी शुद्धता बतानी पड़ती है, शुद्धता को, और शुद्धता का व्याकरण ही निर्णय करता है। कोई शब्द हो गया, वो शब्दों को आप कुछ भी उल्टा सीधा करके बोलोगे तो उस पर पता चल जाएगा कि आपका व्याकरण कितना शुद्ध है,
आपकी भाषा कितनी शुद्ध है, अगर वही आप बहुत अच्छे तरीके से बोलते हो, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो, तो आपके व्याकरण को समझ में आता है कि आपकी भाषा कितनी शुद्ध है। ये जिस प्रकार बिना ब्रेक की गाड़ी दुर्घटना का घटना खतरा बन सकती है, अगर ब्रेक ही नहीं है आप गाड़ी चला रहे हो तो दुर्घटना तो हो गई, एक्सीडेंट तो हो गई। उसी तरीके से आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं तो सामने वाला तो समझेगा ना समझे वो बात है, मगर वो समझ जाएगा कि इनकी भाषा अच्छी नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से बिना ब्रेक के गाड़ी चलाने में दुर्घटना हो जाती है, ठीक उसी प्रकार व्याकरण विहीन भाषा भी आपकी क्या हो जाती है, टूट फूट कर भ्रमिक और अशुद्ध हो जाती है। उसके लिए आपको जो व्याकरण जो भाषा जो शब्दों का है, आपको जिस तरीके से पिरो के बोला जाएगा या पिरो के बोलता बताते हो तो वो शुद्ध होना चाहिए कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ इसने बोला है तो वो अच्छा बोला है, तरीके से बोला है और उसका व्याकरण बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ है, कुछ मैंने शब्दों को दिया हुआ है, व्याकरण भ्रमिक और अशुद्ध भाषा को शुद्ध और सार्थक बनाता है। इसका है क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, व्याकरण भ्रमक और अशुद्ध भाषा को, भ्रमक मतलब जिसमें भ्रमित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसने क्या बोला मैंने तो समझा नहीं, वो भ्रमित करते हैं वो, और अशुद्ध भाषा उसको शुद्ध करने के लिए व्याकरण का ही उसको प्रयोग कर जाता है, उसको अच्छे से बोला जाता है। यहाँ पे जैसे दिया है, मैंने कुछ दिया है अशुद्ध अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। अब अशुद्ध वाक्य में क्या है, मैं रोटी खाया, अगर आप बोलोगे मैं रोटी खाया तो सामने वाला भी कुछ तो बोलेगा नहीं, सुनेगा मगर उसको लगेगा कि हाँ इसके व्याकरण अच्छी नहीं, उसकी भाषा नहीं। अगर आप बोलोगे मैंने रोटी खाई, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाई, वो अलग हो जाता है, मैंने खाना खाया, ये शुद्ध रूप वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आता है, अगले समझ में लगता है कि इसका व्याकरण इसकी भाषा शुद्ध है। और यहाँ पे देखो क्या है, मैं रोटी खाया, ये अशुद्ध वाक्य अशुद्ध भाषा है, अशुद्ध है, ये भ्रमित करने वाला है। अभी देखो मैंने आगरा जाना है, मैंने आगरा जाना है, मैंने मार्केट जाना, मैंने स्कूल जाना, ये अलग हो जाता है, मैंने नहीं आना। यहाँ पे क्या, मुझको आगरा जाना, मुझको, मैंने नहीं आएगा, मुझको आगरा जाना, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाता है। और कुछ उदाहरण है, तुम कहाँ जाना मांगता है, ये अलग टाइप का हो जाता है, अलग ही भ्रमित करने वाला अशुद्ध रूप है। अगर वही बोला जाएगा तुमको कहाँ जाना है या आपको कहाँ जाना है, ये शुद्ध रूप है, इसमें व्याकरण की शुद्धता झलकती है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आज अपन लोगों ने यहाँ पे इस भाषा और व्याकरण के लेसन में आप लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, भाषा, भाषा को किस तरीके से व्यक्त करना है, अपनी भाषा को अपने मन के किस तरीके से हम प्रकट कर सकते हैं, उसके तत्व पढ़े। तत्व कौन कौन से थे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कौन कौन से तत्व थे, दो थे, मनोभाव और शब्द। फिर उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा भाषा के भेद, वेरी गुड, भाषा के कितने भेद होते हैं, दो, कौन कौन से, वेरी गुड, पहला मौखिक है दूसरा लिखी। अब मौखिक भाषा का किसको बोलेंगे, जो मुख से बोलते हैं या सुनते हैं हमें उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। और दूसरा कौन सा भाषा था, वेरी गुड, लिखी, जिसे हम लिखते हैं, लिख के बताते हैं या पढ़ के बताते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, जो लिखते बताते हैं या लिखते हैं उसे लिखित भाषा कहेंगे, वो भाषा का हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लिपि, लिपि में हम लोगों ने पढ़ा था देवनागरी लिपि, और हमारे भारत बहुभाषी देश है, उसमें बहुत तरीके की भाषाएं होती हैं, भाषाएं बोली जाती है, और देवनागरी भाषा में जिसमें किसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, किसके ज़्यादा महत्व होता है, चिन्हों का, वो हो जाता है लिपि, जिसमें देवनागरी लिपि में कौन कौन से चार भाषा में ज़्यादा लिखा गया है, हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली। और हमारे देश में बहुत सारी ज़्यादा भाषाएं हैं, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उर्दू,
गुजराती, मारवाड़ी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। फिर हम लोगों ने पढ़ा व्याकरण, भाषा को सरल, सुगम, सुव्यवस्थित, परिमार्थी बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो व्याकरण के निर्णायक योगदान देते हैं, जिसमें हम लोगों ने शुद्ध वाक्य पढ़ा और अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य पढ़ा। तो बच्चों आज हमारा यहाँ लेसन भाषा और व्याकरण का खत्म करते हैं, और हम आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो मैं कभी कभी बीच में पूछ सकती हूँ कि भाषा और व्याकरण में आप लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थैंक यू।